हमारे कुछ क्षेत्र में, भारत के कुछ क्षेत्रों में निश्चित खेती है, वो ज्यादातर मात्रा में की जाती है। तो इसमें जो मुख्यतः एक रोग लगता है, थोड़ा बोलते हैं जिसको, उसमें पत्तियां आपस में आके एकदम मुड़ जाती है, कुकर जाती है, तो पूरा पत्ता वो होता है, आप सिकुड़ जाता है, तो उसको कुकरा बोलते हैं। उसमें पत्ती मोटी हो जाती है, और अब वीडियो फोटो में देख सकते हैं आप कि पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है। वो नई पत्तियां जो निकलती हैं वो मुड़ती जाती हैं, और जो पुरानी पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और सिकुड़ती जाती हैं। उसमें रस चूसक कीट होते हैं, उसका प्रकोप बढ़ जाता है, और वो साधारण अपन देखेंगे उनको तो वो अपन को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कीट पौधे में रहते हैं और उसके रस को, पत्तियों के रस को चूसते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधा एकदम झाड़ीनुमा आकार का हो जाता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, फल नहीं बनते हैं, और अगर फल बनते भी हैं तो फलों का साइज बिल्कुल छोटा रह जाता है, सिकुड़ा हुआ रह जाता है। ये इसकी पहचान है, जो कुकड़ा के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या उपाय करेंगे इसके लिए, कौन सा स्प्रे करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए लेंगे अपन धनुका कंपनी का आता है तेजर, जिसमें केमिकल आता है डाइफेंथ्रोन 50%, ये पाउच आता है 25 ग्राम का। तो उसको लेंगे 25 ग्राम का पाउच एक पंप के लिए, और इसमें साथ में लेंगे फिमिडा क्लोरो 40% प्लस फिप्रोनिल 40%। ये दोनों को, या आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, फिमिडा फिप्रोनिल, ये घड़ा का पुलिस के नाम से आते हैं। अगर पुलिस का मिले तो वो बहुत अच्छा है घड़ा का, नहीं तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको लेंगे आप 10 ग्राम एक पंप के लिए। दोनों को मिक्स करना है, और सिलिकॉन लेना है 10 ml। दोनों को मिक्स, तीनों को मिक्स करके आप एक पंप में स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको दूसरे दिन इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि यह जो नई पत्तियां हैं निकलेंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी, उसमें ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और जो पुरानी पत्तियां हैं वो धीरे 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 करके तो खुल जाएंगी। इसका स्प्रे हमें करीब 4 से 5 दिन के अंतराल में रिपीट करना है। ये वाला स्प्रे 4 से 5 दिन बाद आप फिर से इसको रिपीट करेंगे, फिर से यही डोज स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा कोई केमिकल, यानी फंगीसाइड आप लेंगे, जैसे एंट्राकॉल है या फिर साफ फंगीसाइड है, तो या M45 है, तो इनको लेके आप किसी भी सस्ते केमिकल को, फंगीसाइड को लेके आप स्प्रे करेंगे करीब 1 हफ्ते बाद, दूसरी डोज की 1 हफ्ते बाद करेंगे। तो रोग क्या है, अटैक फिर से नहीं कर पाएगा वो, और पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। सन भाई, ये थी जानकारी मिर्च में कुकड़ा रोग के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।